प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। सुबह के समय में प्रार्थना करते हैं, आइए। और सच में भोर की प्रार्थना प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है। वो वचन में कहता है कि जो भोर को तड़ाके उठ के मुझको खोजता है मुझे पाता है। तो ज़रूर आप लोग प्रार्थना में शामिल होइए, भोर की प्रार्थना में, और प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। और इस YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे की जो भी प्रार्थना है, प्रार्थना विषय से जो भी आपको वीडियो है वो प्राप्त होता रहेगा, वचन का जो वीडियो है आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन में। तो आप लोग अपना सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के और शेयर भी कर दीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए प्रार्थना में, और आगे बढ़िए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने अपने मुंह को खोल के ही सुबह के समय में हम सब प्रभु को चरणों में बलिदान, परमेश्वर के सुबह के भोर का बलिदान हम सब चढ़ाएंगे। प्रभु हमारे बीच में, प्रभु आपका आदर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ओ सेनाओं के यहोवा, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग महिमा करेंगे उसको। थैंक यू जीसस, आमेन, आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह के समय में आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप बढ़े हम घटे परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। हालेलुया, इस संसार में परमेश्वर और आकाश के ऊपर परमेश्वर, ओ प्रभु आपका नाम ही पवित्र नाम है परमेश्वर। आपका नाम ही आदर के योग्य नाम है, आपका नाम ही भय के योग्य नाम है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा। ओ सारी सृष्टि के रक्षक, सारी सृष्टि के मालिक, ओ प्रभु तेरा नाम सब नामों में ऊँचा हो, पवित्र हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। सच में परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। आमेन, हालेलुया। सच में यीशु मसीह हमारे जीवित परमेश्वर। हालेलुया, ओ धन्यवाद। महान तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए
बुरा कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, यस आमीन हालेलुया। क्यों ना बोलूं थैंक यू जीसस, प्रभु तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, यस आमीन हालेलुया, शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद उस सुबह के समय में प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, ओ सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ प्रभु तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, तेरा नाम सब नामों में पवित्र नाम है, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति 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 आराधना, ओ प्रभु भोर को तुझे स्तुति चढ़ाते हैं, तुझे स्तुति करते हैं प्रभु, तुझे स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ करुणा में परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया, ओ तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, ओ सब लोग ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे सुबह के समय में। प्रभु हमारा भला है, कितना भला परमेश्वर है, हमारे रोगों को चंगा करता है, हमें चंगा करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और भोर की करुणा हमें देता है, भोर की ओ हालेलुया दया को अनुग्रह को हमें देता है, ओ हालेलुया, वो परमेश्वर हमें पूरे दिन की सामर्थ देता है, सुरक्षा देता है, हालेलुया, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, हालेलुया, उसके चरणों में हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया हालेलुया, सेनाओं की यहोवा तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। सब लोग तेज आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने हमें नया दिन दिखाया है, उसने हमें नई करुणा दिया है, नई ओ सुबह के समय में हमें आशीष किया है, हालेलुया हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सेनाओं के यहोवा, ओ तेरे जैसा कोई नहीं है पिता, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे सुबह के समय में, प्रभु हमारे लोगों को तेरी करुणा की ज़रूरत है, इस सुबह के समय में हम सब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, तेरे लोगों को तेरी दया की ज़रूरत है, ओ प्रभु हम हर परिवार पे तेरी दया को दिखाइए प्रभु, ओ यीशु राजा तू महान कार्य कर परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति के योग्य आदर के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, थैंक यू जीसस, आमीन हालेलुया, हम हर चीजों में आपको महिमा देते, ओ प्रभु हर बीमार लोगों को चंगाई मिले आज के दिन में प्रभु, हर एक परमेश्वर बीमार लोगों को चंगाई मिले प्रभु, हर एक परमेश्वर निर्बलता को प्रभु, बलहीनता को प्रभु बल मिलने पाए परमेश्वर यीशु मसीह, ओ हालेलुया,
जिनके पास नौकरी नहीं, आज नौकरी मिलने प्रभु, ओ पिता उनके लिए आज अच्छी नौकरी मिलने पाए परमेश्वर, ओ प्रभु जिनके लिए परमेश्वर सैलरी नहीं आया है, आज उनके लिए सैलरी आने पाए परमेश्वर, ओ मेरे पिता हालेलुया, ओ प्रभु आप मदद कर दीजिए परमेश्वर, दया कर दीजिए मेरे पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, ओ प्रभु जिनके लिए परमेश्वर पिता, ओ प्रभु हालेलुया, ओ प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम है परमेश्वर हालेलुया, ओ जीसस उनको परमेश्वर मदद कीजिए प्रभु, आप मदद करिए प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस हालेलुया, आप यहोवा पूर्ति करने वाले, ओ परमेश्वर उनके रेंट देने के लिए आप इंतजाम कीजिए आज के दिन में प्रभु, आज के दिन में उनकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु, किसी के वहाँ राशन नहीं है तो राशन के लिए भी परमेश्वर आप मदद कीजिए, ओ मेरे पिता सच में आप धन्य परमेश्वर हैं, अपने लोगों की सुधि लेते हैं प्रभु, ओ परमेश्वर कई लोगों के लिए परमेश्वर पिता, ओ प्रभु यीशु मसीह बिजनेस में जो लॉस हो गया है प्रभु, आज उनको प्रभु आप मदद कीजिए, ओ प्रभु कई लोगों का प्रार्थना है प्रभु जो कर्ज है उनको, ओ प्रभु उनको हर एक कर्जे से मुक्त कीजिए परमेश्वर, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, यस जीसस आमीन, हालेलुया, ओ स्तुति के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर हमारा है, भला है हमारा परमेश्वर, उठ प्रकाशमान हो, यस आमीन आमीन, आ गया है, यस हालेलुया, और तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, देख यस आमीन, पर तो जो अंधियारा और यीशु के नाम में घोर अंधकार छाया हुआ है, ओ प्रभु यीशु, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उदय होगा, यस जीसस आमीन, परमेश्वर तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले, ओ प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, आपको महिमा मिले, ओ प्रभु यीशु हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ प्रभु कितने लोग के मैरिज नहीं है प्रभु हुआ है प्रभु, उनको मैरिज होने पाए परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर पिता जीवन में आशीष कीजिए, ओ प्रभु यीशु हालेलुया, ओ परमेश्वर भोर के समय हम आपसे आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु, प्रभु आज भलाई कार्य कीजिए, रास्ता खोलिए प्रभु, आशीष कीजिए हालेलुया, ओ जीसस आमीन हालेलुया, जो मैंने तेरे मुंह में डाले, धन्यवाद धन्यवाद, लेकर सर्वदा वह तेरे मुंह से और तेरे परमेश्वर और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे, इस वाचा के लिए धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु सुबह के समय में धन्यवाद करते हैं, ओ प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं, ओ प्रभु जब तेरे वचनों को पढ़ते हैं हमें बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए तेरे वचनों के द्वारा, और तमाम लोगों को सीखने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह, जो जो लोग ये सुनते हैं आज के समय में पवित्र आत्मा को प्रभु प्राप्त करने पाए उनके जीवन में, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करे यीशु के नाम से, आमेन और आमेन 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 आमेन, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। उस सुबह के समय में हम सब नीति वचन चार से पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय चार से हम पढ़ेंगे, एक से लेकर हम 15 तक पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा तमाम लोगों से बातचीत करे इस वचनों के द्वारा। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का फेरा दिला रहा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रतिदि रख, वह तेरा पहरा देगा, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तो वह तेरी महिमा करेगी, वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी,
और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, ताकि उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरी जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरों के लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि का जो लाभ हमारे जीवन में, परमेश्वर कहता है क्या क्या, और बुद्धि और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, वचन में लिखा है, और किसी चीज़ों में मन न लगाओ। परमेश्वर कहता है कि अपने समय को खराब मत करो, समय को व्यर्थ मत गवाओ, समय को हम और किसी चीज़ों में ना लगाएं। अगर आज आप अपने समय को पूरे दिन में आपने क्या क्या किया है, आमीन हालेलुया, जब आज आप प्रार्थना से उठते हैं, उसके बाद आप जो भी काम करते हैं, आप एक नोट करके रखिएगा कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या किया है। फिर शाम को जब आप लेटते हैं, उससे पहले आप ज़रूर 2 मिनट उसको देखना कि क्या क्या चीज़ों में मेरा समय व्यर्थ हुआ है, आमीन, कहाँ कहाँ मैंने व्यर्थ समय लगाया है। तो परमेश्वर कहता है कि समय जो है बहुत ही बहुमूल्य है, उसको हम व्यर्थ में नहीं गंवाना है, आमीन। समय को कई लोग बहुत व्यर्थ बातों में लगा देते हैं, व्यर्थ चीज़ों में लगा देते हैं, व्यर्थ सोचों में लगा देते हैं, तो समय को हम सही उपयोग करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है अवसर को बहुमूल्य जानो, आमीन। तो हम समय को बहुत ही अच्छे से हम इस्तेमाल करना है। परमेश्वर कहता है तब बुद्धि को जब प्राप्त करोगे और बुद्धि को मन लगाओगे तो क्या होगा, उत्तम शिक्षा पाओगे। और परमेश्वर कहता है उस शिक्षा के द्वारा, परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर शोभेमान मुकुट को परमेश्वर जो बांधेगा, जो मतलब सुंदर मुकुट, परमेश्वर के राज्य में हम प्राप्त कर सकेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। और वचन में लिखा है मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित भी रहेगा। मतलब इधर उधर की बातों में मन लगाने से क्या होता है, शैतान उसमें कार्य करता है, शैतान उसके द्वारा आपके जीवन में आयु को घटाता है, आमीन। पहले के समय के लिए जो आयु बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शैतान ने के द्वारा जो भी होता गया, दुष्टता के कार्य, धीरे धीरे आयु क्या हो गया, घटता गया लोगों का। तो परमेश्वर कहता है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा, इसलिए क्या, परमेश्वर के मार्ग में, बुद्धि के मार्ग में चलो और बुद्धि प्राप्त करो, क्योंकि वो मीठे शहद की तरह है, आमीन। तो बुद्धि को हमें प्राप्त करना है, ताकि परमेश्वर में हम रोज आगे बढ़ें, और रोज परमेश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में आगे बढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के कार्य में मन लगाना है, ताकि परमेश्वर हमें उसमें आशीष करे, आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए हम आँखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रभु का अनुग्रह और उसकी समझ को और बुद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग आँखों को बंद करेंगे। ओ परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है जो आपकी बुद्धि की ओर ध्यान लगाता है, मन लगाता है, बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे पिता, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। ओ पिता, तू महान है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई भी नहीं है, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है पिता। आज के दिन में प्रभु तू हम सब को बुद्धि समझ ज्ञान दे परमेश्वर, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ओ प्रभु आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर राजा, ओ ताकि हम तेरे बुद्धि के द्वारा सही मार्ग पे चलने पाए परमेश्वर, सही परमेश्वर युक्तियों को करने पाए मेरे पिता। ओ प्रभु सच में आप ही हैं जो हमें बुद्धि समझ ज्ञान की प्राप्ति को देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। ओ पिता, तमाम लोग नष्ट हो रहे हैं प्रभु, तमाम लोग हर रोज नष्ट हो रहे हैं प्रभु, ओ पिता आप उनकी सुधे लीजिए प्रभु। हमारे देश में जो ओ संकट काल है प्रभु, मेरे पिता इस संकट के समय में हम सबको बचाइए प्रभु, हम सबको सुरक्षा दीजिए। हम जब तेरे राज्य में आते जाते हैं प्रभु, काम पे इधर उधर प्रभु, आपकी सुरक्षा मांगते हैं प्रभु। ओ परमेश्वर दया कीजिए, परमेश्वर दया कीजिए प्रभु, निर्बलता बलहीनता
साथ दूर कर दीजिए प्रभु, शरीर से हर एक प्रकार से। ओ रीबा खाबा शंदा रबा 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 रबा, ओ प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता, तू ही है सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु हमारे बीच में आज जब कितने लोग काम पे जाते हैं प्रभु, ओ प्रभु उनके साथ रहिए प्रभु, उनके ऊपर तेरे लहू को छिड़कते हैं प्रभु, ओ पिता उनकी सुरक्षा आपके हाथों में है परमेश्वर, वायरस से प्रभु उनको बचा के रखे। यस आमीन, हालेलुया। ओ प्रभु आज जितने लोग परमेश्वर सड़क पे निकलते हैं, घरों से निकलते हैं प्रभु, और एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सब तेरी सुरक्षा को प्राप्त करे प्रभु, और इस कोरोना वायरस महामारी को दूर करते हैं तेरे लोगों से, छूने भी ना पाए प्रभु, पवित्र लहू की सुरक्षा में देते हैं प्रभु। आप महान कार्य कीजिए, ओ दया कीजिए, दया कीजिए। ओ इस समय प्रार्थना करेंगे, कई लोगों ने निवेदन दिया है, ओ हालेलुया प्रभु, उन्हें कोरोना वायरस से सुरक्षा देने के लिए, और कई लोगों को जो कोरोना वायरस हो गया है, पास्टर के पूरे फैमिली को कोरोना वायरस हो गया है प्रभु, उन्हें भी सुरक्षा देने के लिए, चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी दया इस सुबह के समय में उतरने पाए। तमाम लोग जो निवेदन देते हैं प्रभु, दूर दूर से प्रभु, ओ प्रभु मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, इंदौर, ओ प्रभु, ओ प्रभु यूपी, परमेश्वर हर एक जीवित, परमेश्वर आप कार्य कीजिए उनके जीवन में, ओ प्रभु यीशु, जहां भी लोग हैं प्रभु, आप उनके जीवन में आपकी सुरक्षा को मैं बोलता हूँ। रीबा शंदा रबा 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 रूहानी रबो रिखा बदूरी अंदर रबा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आशीष कीजिए और प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपका उदय, ओ हालेलुया परमेश्वर, तेरे नाम को परमेश्वर, परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। तो पिता तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, ओ हालेलुया, यीशु मसीह की दया हम सबके जीवन में हो, धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा, सारी बातों में प्रभु आपको महिमा मिले परमेश्वर। और आज के पूरे दिन आपकी सुरक्षा, तमाम परिवारों को मैं बोलता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, जलाल आपको देता हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन और आमीन, आमीन आमीन। प्रभु आशीष करे सबको, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सबके जीवन में भलाई कार्य करेंगे, आशीष करेंगे, गॉड ब्लेस यू, और सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, गॉड ब्लेस यू।